सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। आज चर्चा का विषय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। इसका जो बुनियाद है, इसका जो आधार है, वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर लिया गया। जिस तरह महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी दांडी से साबरमती तक, उस यात्रा के चलते जो नमक सत्याग्रह हुआ था और नमक कानून समाप्त किया था, वो महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता है, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और उसी तर्ज पर हमारे देश में तमाम तरह की यात्राएं की गई और यात्राओं से लाभ भी मिला और कई सरकारें सत्ता में आई, कई पार्टियां में बदलाव हुए और जनता को नए नए आयाम देखने को मिले राजनीति के। कांग्रेस जो कि लगातार संघर्ष कर रही है, पिछले अगर बात करें तो 9 में सत्ता में थी, 14 में सत्ता से बाहर हुई केंद्र की, उसके बाद फिर 19 में सत्ता से बाहर हुई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और एक लगन की कमी नज़र आ रही थी। तो उसकी बची कुछ चीज़ जो खाना पूर्ति थी वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो गई। हालांकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम मेहनत की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया और 40% महिलाओं को टिकट भी दिया, और टिकट देने के बावजूद जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। वो कांग्रेस जो हमारे देश में सबसे पुरानी पार्टी है, वो कांग्रेस जिसने हमारे देश पर 10 को राज किया, वो कांग्रेस जिसमें बड़े बड़े नाम रहे, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें और चाहे राजीव गांधी की बात करें, वो कांग्रेस जिसका आधार एक अलग व्यवस्था के चलते रहा, वो कांग्रेस जो लगातार विकास की बात कहती चली आ रही है, वो कांग्रेस जो अभी भी संघर्ष करती नज़र आ रही है। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपनी इस पूरी खोई हुई जमीन को तलाशने में लगी हुई है। हालांकि इस यात्रा के 3 महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं कांग्रेस के द्वारा बताए गए हैं कि जो देश में असमानता का भाव पैदा किया जा रहा है, उस असमानता के खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरा, जो धार्मिक भेदभाव चल रहा है, जो लोगों के बीच खाई पैदा की जा रही है, द्वेष पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकार का दुरुपयोग, और साथ ही साथ सरकार लगातार कहना है कि सरकार जो है सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 3 प्रमुख उद्देश्य और महत्वपूर्ण यात्रा है, और इस यात्रा पर चर्चा करने के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। नेता से भाजपा से नेता संतोष सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव जुड़े हुए हैं, और हम भाई कांग्रेस अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो प्रवक्ता कांग्रेस से रहेगा। हम भाई, महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा की भीड़ बता रही है कि कहीं ना कहीं यात्रा का जो लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के लोगों में उत्साह जगाने का, वो लक्ष्य लमसम लमसम पूरा हो रहा नज़र आ रहा है। पर एक प्रमुख बात हम भाई यहाँ भी है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। मार्च के बाद जब अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दिया था, जो कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद से अब तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। चर्चा कई नामों पर रही, पर नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव के चलते अब तक प्रदेश अध्यक्ष फाइनल नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस को अब तक मिल नहीं पाया है, नाम तमाम चल रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि यात्रा से पहले इन अगर चीज़ों पर विचार किया जाता कुछ बेहतर परिणाम आते, क्योंकि यात्रा भी लंबी है, 150 दिनों की यात्रा है, 12 राज्यों से गुजरेगी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद से लगातार पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया अध्यक्ष यात्रा के संदर्भ में है जी। तो जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जी अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उसी के बाद आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नफरती एजेंडा है, जो विघटन और द्वेष की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ ये समय की जरूरत थी कि देश के लोगों को जोड़ा जाए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांटो और राज करो की नीति पे सरकार चला रही है, उसी तरीके से देश में जो बंटवारा है कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं रंग के नाम पे, कांग्रेस पार्टी यह मानती है जी देश के लोगों को जोड़ने की जरूरत है एक ऐसे समय में, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया गया। और आप देख रहे होंगे कि 6-7 दिन के अंदर
लोकप्रियता इस यात्रा को मिल रही है और जिस तरीके से जनमानस का समर्थन आदरणीय राहुल गांधी को मिल रहा है और जिस तरीके से चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, माताएं हैं, सभी लोग राहुल गांधी को गले लगा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता का भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इस यात्रा पर लगातार अनर्गल आरोप गढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा बहुत शानदार तरीके से कन्याकुमारी से चल रही है और अपने 150 दिन तक शानदार तरीके से पूरे भारत को जोड़ते हुए, भारत की संस्कृति को जोड़ते हुए, भारत के लोगों को जोड़ते हुए कश्मीर में संपन्न हो। ठीक है, ठीक है संतोष भाई, हम्माम भाई भाई का कहना है कि भाजपा लोगों को तोड़ने काम करती है और ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ये लोगों को जोड़ने के लिए खोली निकाली जा रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या बदलाव लेकर आएगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? देखिए भाई, हमारे कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, पक्ष रख रहे हैं अपना जी। मुझे लग रहा है कि अब उनको भाजपा और आरएसएस से ज्यादा चिंता उनको अपने दल की करनी चाहिए जी, संगठन के बारे में सोचना चाहिए जी। और अब ज्यादा इनके जितने नेता हैं और जितने प्रवक्ता हैं, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता की मैं बात करूं या जो चैनल पे बैठे हैं उनकी बात करूं, इनके नेता और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जयराम नरेश जी, बड़े लीडर है, बड़े नेता है कांग्रेस के। ये अलग बात है कि उनको कांग्रेस के लोगों ने आगे आने नहीं दिया। उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि बिना कांग्रेस मजबूत हुए देश मजबूत नहीं होगा, हमने कांग्रेस जोड़ो यह यात्रा निकाली है। और ये बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं वो भारत तोड़ो यात्रा निकाले लग रहा है। अच्छा। तो जिनसे मिले हैं वो भारत के खिलाफ, वो भारत के विरुद्ध हमेशा बोलते रहे, ऐसे लोगों को जोड़ करके ये देश जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो सपना देख रहे, देखिए गौरव जी बड़ा तीखा और बहुत सही बात मैं बोलूंगा और ये सबको समझना चाहिए। हमारे मेरी जानकारी जहां है और जितना मैं जानता हूं, तीन पुत्र ऐसे हुए जिन्होंने अपने बाप की विरासत को, अपने पार्टी की विरासत को खत्म कर दिया। अच्छा। और एक तरह से मैं कहूं कि यह तीन पुत्र जो आए या कहीं ना कहीं एक अपने राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन के आए, एक अखिलेश यादव और दूसरे माननीय अपने राहुल जी और तीसरा आदित्य ठाकरे भी जो मुंबई में हुआ है। अच्छा। ये पुत्र मोह में आकर के, पिता जो थे इनके, ये पुत्र मोह में आकर के पार्टियों को सत्यानाश कर दिए। अब हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़का नहीं चाहता है कि मैं पढ़ूं उसको जबरदस्ती पिछले 30 साल से पढ़ाया जा रहा है, जो लड़का नहीं चाहता है कि मैं राजनीति करूं उसको जबरदस्ती राजनीति में घसीट के लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। अच्छा। राहुल गांधी को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, कहीं जाए वो अपनी जो एजुकेशन लेकर के फॉरेन से आए हैं उस पे कहीं इंप्लीमेंट करें, उसका कहीं जबरदस्ती यात्रा निकाली जा रही है उनसे। वो उनसे गांव गरीब किसानों का भला होने वाला नहीं है, ना गांव के बारे में जानते हैं, यही तो डर है, और ना किसान के बारे में जानते हैं, ना डेवलपमेंट का उनके पास कोई एजेंडा है। उनको लिखी लिखाई चीज दी जाती है, बेचारे पढ़ते पढ़ते कहीं जमात घुसी जाती है, उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये अगर गौरव जी ये थोड़ा सा सक्रिय हो गए रहते तो इनके पास तो एक बड़ी फौज थी, जो लीडरशिप डेवलप हो रहा था कांग्रेस का, वो चाहे जतिन प्रसाद रहे हो, चाहे ज्योतिराजय सिंधिया रहे हो, चाहे आरपीएल सिंह रहे हो, चाहे वरिष्ठ इनके नेता गुलाम अजीन आजाद रहे हो, आखिर इनको इनको तो जोड़ नहीं पाए जिनके बाप दादा विरासत इनकी 25-30 साल से जो इसकी राष्ट्रीय दल से जुड़े हुए थे, और अब देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं भाई। पहले की नेता आपके पास एक करके एक छोड़ करके चले जाएंगे कि वो उनके नेता जा क्यों रहे हैं। अरे बदलाव कर रहे हैं भाई, पार्टी आरएसएस पे ब्लेम लगाने से बढ़िया है कि अपने संगठन के बारे में कांग्रेस या चिंतन करे, मंथन करो। मैं तो कोई राजनीतिक दल सलाह नहीं देगा और अच्छी बात इनको नहीं बताएगा, लेकिन मैं गौरव भाई इनको सलाह जरूर देता हूँ कि एक अच्छा विपक्ष बनने के लिए पहले लीडरशिप डेवलप करिए। अरे आपके लिए चुनौती बनने वाले कि नहीं बनने वाले 24 के लिए? भीड़ बहुत है हमारे लिए। कांग्रेस की चुनौती 2014 से ही समाप्त हो गई थी। अच्छा। और 2014 से ही पतन शुरू हो गया था कांग्रेस का। अच्छा। चाहे वो स्टेट को ले लीजिए, आज हमारी सरकारें कहाँ कहाँ है आप, और हमारे अगर जहाँ सरकारें हमारी नहीं है वहाँ स्थिति कैसी, सरकारें भी है कई राज्यों में इनकी तो कहने में कोई। देखिए धीरे, देखिए गौरव जी टीका टिप्पणी करने से और मुझे लगता है ये डिबेट दूसरी तरफ चल जाएगा। मैं सीधे सीधे हम भाई को एक बात ये कहूंगा कि आप पार्टी पे विचार करिए और पिछले 30 वर्ष से एक ही क्लास में एक स्टूडेंट को पढ़ाइएगा, वो बेचारा तंग आ गया है। अच्छा। तंग आ गया है,
उनको उनको छुट्टी दीजिए, उनको बोलिए कि जाइए आप थोड़ा घूमिए फिरिए और उनके जगह किसी नए चेहरे को लाइए, लीडरशिप डेवलप करिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए। मुझे लगता है आने वाला समय में कांग्रेस का कुछ भला हो। ठीक है नितिन भाई, नितिन भाई सपा में पार्टी जुड़े हुए हैं। नितिन भाई, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी यात्रा 5 महीने की, 12 राज्यों से लगभग लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा, क्या मानते हैं कांग्रेस में कहां तक बदलाव होगा और 24 में कहां तक ये चुनौती पेश करेगी सत्ताधारी पार्टी के लिए? जी राजनीति में कोई पक्ष होते हैं, समझाओ भाई, एक सत्ता का पक्ष होता है, एक विपक्ष का होता है। और जो हमारा राष्ट्र है, तो स्टेट बोलते हैं, इसकी जो मंशा है कल्याणकारी मंशा, जी राज्य की राज्य के लोगों का कल्याण, जी लेकिन नितिन भाई की आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। जी मैं कहा, आवाज आ रही मेरी? जी हां बोलिए। तो लंबे समय से जो कांग्रेस का शासन था जी, उस पर एक भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश को सब्जबाग दिखाया, अच्छा, अभी तक का जो विकास था वो ना काफी था, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इस देश का कायाकल्प कर देगी, अच्छे दिन ले आएगी, अच्छे आने वाले हैं, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे, देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। अच्छा ठीक है, निश्चित रूप से देश की जनता भोली भाली है और वो विकास तो चाहती है। अच्छा ठीक है, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में आई, देश दिन प्रतिदिन लगातार नीचे गिरता गया और आज देश करीब 100 साल पीछे चला गया। अच्छा, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से देश बर्बाद हो गया। अच्छा, बेरोजगारी आप हो गई, महंगाई अपने चरम पर हो गई। इसके बावजूद भी ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलावे में हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत ही ऐसी बात कही जो आज की डिबेट में कोई विषय नहीं बनती थी, विषय मुद्दों पर होना चाहिए, लोकतांत्रिक विषयों पर होना चाहिए और जो मुद्दे हैं और राजनीतिक विषय पर शुभम पर। अरे भैया महत्वपूर्ण मुद्दा है भाई, कांग्रेस जो है अपने आप को जिंदा कर रही है, प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है, तो मुद्दा तो है। मैं भाई गौरव जी मेरी बात जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से बात को उठाई, पुत्र की, 3 पुत्र देश के लिए बड़े खराब हो गए, अपनी अपनी पार्टियों के लिए बड़े बड़े खराब हो गए, जिस पर इन्होंने नाम दिया, आपको शायद ये नए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में ऑथराइज प्रवक्ता भी मुझे नहीं लगते हैं। ये कैसे जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से चली थी और यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगे हैं। ऐसा भी वक्त रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी नहीं रहे, ठीक, और एक वक्त ये भी था इस देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी 0 पर थी और इस देश में एक पार्टी पूरी की पूरी 80 सीटों पर आ गई थी, इस पर छीन हो गया था सदन तो कम, अपने 2 सदनों से त्याग पत्र करा करके और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को सदन में बुलाया गया था चुनाव करा करके, अटल अडवाणी को, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं, ये भी प्याज लोकतंत्र में रहा इस देश में। अच्छा। लेकिन ये लोग जिस तरीके से टिप्पणी निजी स्तर पर करते हैं और ये हैसियत भूल जाते हैं ये लोग। अच्छा। और ऐसा नहीं है, इसके पहले अटल जी की सरकार आई थी और क्या साइनिंग इंडिया का नारा गया था और उसके बाद देश से 10 साल के लिए गायब हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सब्जबात दिखाया गया लोगों को, उसके आधार पर लोगों ने मौका दिया है और आज लोग उकता गए हैं। सही बात आदरणीय अखिलेश यादव की, ये क्यों भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी के पास एक ऐसे नेता है जिन्होंने इस पार्टी को नेताजी से आगे ले जाने का काम किया है। नेताजी जब तक राजनीति में रहे, पिता के कावर से बाढ़ पित्त कुटा के धर्मा, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नेताजी ने पार्टी को बनाया और उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव। कैसा काम किया भाई, 17 में हार गए, 22 में 11 सीटें आई। इलेक्शन हारने और जीतने की प्रक्रिया हमेशा सदैव रही है, ये क्या इलेक्शन हार जाना ये पैमाना नहीं होता। 4 इलेक्शन हार गए नितिन भाई, 4 इलेक्शन क्या है, भारतीय जनता पार्टी 40 इलेक्शन लगातार हारती चली आई है, 1952 से शुरू करिए और अभी तक कहाँ रहे भारतीय जनता पार्टी। इनका कहना गलत है, संतोष सिंह का कहना गलत है, निश्चित रूप से इनका कहना गलत है। आज भी 111 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है जी, बिल्कुल, और
नेता जी इससे बड़ी पार्टी बनाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2011 में जब लोग चुनाव लड़े थे और 224 सांसद विधायक लेकर के बहुमत की सरकार बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। ये लोग और रही बात डिग्री की बात कर रहे थे अभी, इनको पता नहीं है कि इनके नेताओं की डिग्री का क्या 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 एहसास है। ये वही लोग हैं जो गुरु नानक देव को संत कबीर को एक साथ बिठाने का काम करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 17 फरवरी 2070 में जनसभा चले जाते हैं, ये वही लोग हैं जो 12 पास की 12वीं के बाद इंटर के बाद 12वीं पास कराते हैं, ये वही लोग हैं ना। ठीक है भाई, ठीक है, इनकी डिग्री का ताजा जरा लगा लीजिए, पूछ लेता हूं किस तरीके की लपटी की बातें करते हैं। अभी पूछता हूं हम्मम भाई, कहे हैं तीन पुत्रों ने देश को एक अलग आयाम दिए, अलग उदाहरण दिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आदित्य ठाकरे, तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको शिक्षा के लिए जरूरत नहीं है, वो राजनीति करना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती राजनीति करवाते हैं आप लोग, भाई क्यों यात्रा रखवा रहे हैं जबरदस्ती? ऑस्ट्रेलिया से एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग करके आए जी, और राहुल गांधी की भी डिग्री उनको पता नहीं है। ठीक है नितिन भाई, हम्मा भाई बोल रहे हैं, केवल एक व्यक्ति से डर रही है वो राहुल गांधी, उनको मालूम है। ठीक है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी ने शासन तंत्र फैलाया है, जो मोदी का पूरा झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा था और 8 साल में इन लोगों ने रोजगार दिया ही नहीं। आज युवा प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। अच्छा। तो उनकी बात अगर कोई पूरी मजबूती से पूरी निष्ठा से उठा रहा है तो वो राहुल गांधी। अच्छा। इसलिए हर तरीके की धमकियां, चाहे वो ईडी है चाहे वो सीबीआई है, तमाम तरह के लगाने के बाद भी राहुल गांधी डरने वाले नहीं। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन तंत्र को और झूठ का जो उनका प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करके हम रहेंगे और वो जनता के बीच में जा रहे हैं लगातार, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें विपक्ष की बात रखने नहीं दिया जा रहा है। जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, या रेस की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, न्यायालय, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी कंट्रोल रख लिया है और वो एक तरीके से ईडी सीबीआई सरकार का एक अंग बन चुके। अब ऐसे समय में हमारे पास केवल वही रास्ता बचा था कि हम जनता के बीच में जाएं, नौजवानों की बात उनसे पूछें कि भैया आपको कितना रोजगार मिला, किसानों की आमदनी जो डबल होने की बात की गई थी क्या डबल हुई। आज उसी का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और आपने देखा होगा अमित शाह से लेकर लगातार एक एक भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जितना ये लोग टारगेट करेंगे वो मजबूत होंगे, देश चाहता है राहुल गांधी को और राहुल गांधी युवाओं की आवाज को उठाने का काम करते हैं, इसीलिए भाजपा डरी हुई। हम भाई परिचय होता है, ये 5 महीने की यात्रा है, निकाय चुनाव आ गए हैं, तो क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को बाकोवर दे दिया है क्या? बना नहीं है बिल्कुल तक। ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता है, 117 कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा में शामिल। इसके अलावा जो प्रदेश की यूनिट है वो प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव है, जरूरत पड़ेगी तो वहां राहुल गांधी भी आएंगे, लेकिन जहां जहां चुनाव उनको जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी कहीं भी वाकवर नहीं देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पे हराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, चाहे वैचारिक लड़ाई हो चाहे सत्ता पक्ष की लड़ाई हो, हर मुद्दे पे। इसीलिए हम जन जन को जगाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेके सभी तंत्र को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, इसीलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को जगाने को काम जगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा की जो नाकामियां है, जो इन्होंने वादे किए थे और उस वादे में पूरी तरीके से सरकार फ्लॉप है, नाकाम है, सिर्फ बांटो और विघटन की, विद्वेष की, नफरत की जो राजनीति करके नए नए मुद्दे को हाईलाइट करके, जो जनमानस के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ती कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल, वो सब जनता को बचाने का काम किया गया जाएगा इस माध्यम से और एक नई इबारत लिखी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कब बनेगा यूपी का भाई? सम्मान भाई, चुनाव पहले बन जाएगा? जी, मैंने पहले भी कह चुका है, लगातार चर्चा है, शीर्ष नेतृत्व से निर्णय लेगी बहुत जल्द। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो जोनल प्रभारी बनाए हुए आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की खुद प्रभारी है, उनके नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है। कहीं भी कोई घटना होता है, कांग्रेस का सबसे पहले
मंडल वहां पे पहुंचता है, सबसे पहले प्रियंका गांधी आवाज उठाती है, हमने न्याय के लिए लगातार 2017 के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है, अभी वहां नहीं गई प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी वहां नहीं गई, अभी लखीमपुर नहीं गई, जाएंगी। अच्छा, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन कांग्रेस का ट्वीट आया था, उसके बाद हमारी जो विधानसभा प्रियंका गांधी लीडर है आराधना मिश्रा मोना जी वो भी गई है और प्रियंका जी भी जाएंगी। अच्छा, समय का इंतजार कीजिए, हम किसी भी हम भाई समाज हो, हम भाई एक सवाल, एक सवाल मेरा रहेगा, सबकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम भाई एक सवाल मेरा रहेगा कि तुकुनिया कांड जब हुआ था तो बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही थी और रात को प्रियंका गांधी ने सारे दलों को पीछे छोड़ते हुए और लखीमपुर के तुकुनिया पहुंच गई थी, बड़ा मामला था भाई, किसानों पर गाड़ी चढ़ गई थी, पर ये निगासन वाला मामला हुआ, यहाँ पर प्रियंका गांधी अब तक पहुंची नहीं है, क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहां यहाँ नहीं पहुंचा चाहिए था, नेता भी पहुंचेंगे, जो कोई भी घटना घटना होती है। कांग्रेस पार्टी का जो चश्मा है वो दो नजरिया नहीं है। अच्छा, हम एक एक नजरिए से एक आग से सबको देखते हैं, चाहे वो दलित समुदाय से हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय से हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, और लगातार उस पे हमारी जो टीम है श्रीमती प्रियंका गांधी के लोग लगातार नजर बनाए हैं, कहीं प्रियंका गांधी जी का लेटर जाता है, कहीं हमारे नेता जाके प्रियंका जी से बात कराते हैं, कहीं हमारी प्रियंका जी खुद आती है, कहीं हमारी कमेटी दूसरे लोग जाते हैं। मकसद ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने लगातार कुशासन और जंगल राज कायम किया है उसको पर्दाफाश करिए, और संतोष भाई बताएंगे उत्तर प्रदेश कैसा जंगल राज है, सभी लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। संतोष भाई बता रहे जंगल राज है, हम भाई कैसा जंगल राज है भैया आप लोगों का? सबसे पहले तो हमाम भाई आपको मैं कहूंगा और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दूंगा जी, और मैं अपना शब्द वापस लेता हूं कि 30 साल से एक फेल्यूअर स्टूडेंट को एक ही क्लास में लोग पढ़ा रहे हैं जी, वह शब्द वापस लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि हे भगवान इनके दिमाग में हे गणेश जी हमेशा पास रहिए, सरस्वती माँ पास करेगी, और जब तक ये पार्टी रहे तब तक उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही रहे। अच्छा, मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी बरकरार रहे, ईश्वर करे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के पीएम के चेहरा बने, भगवान उनको ज्ञान दे। हमको कोई ऐतराज नहीं है, मैं अपना शब्द वापस ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी। रही बात गुंडा राज की, तो आप भी मीडिया से हैं गौरव जी, और 2017 से 2022 कि जो यात्रा तय किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जी, और जो सुशासन स्थापित किया है, माफियाओं गुंडों पे जो बुलडोजर चला है, भू माफियाओं पे जो बुलडोजर चला वो किसी से छुपा नहीं, बहन बेटियां किसके राज्य में कितनी सुरक्षित है किसी से छुपा नहीं है, जात मत भेद मत मजहब से ऊपर उठ करके हमने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुंडे बदमाश सारे जेल में बंद है या तो प्रदेश से बाहर। गौरव जी ये चीजें मैं बता रहा हूँ बार बार, ये तो सारी दुनिया ने पूरी मीडिया ने देखा है इस चीज को, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रह गई बात कि नितेंद्र भाई को, तो मैं पिछले कई बार से आज 6 महीने पहले से कह रहा हूँ नितेंद्र भाई आप बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, आइए हमारी पार्टी में, कहा है आप समाजवादी पार्टी में जाके बैठ गए हैं, हमारी पार्टी में आइए आपका स्वागत है। वो बेचारे अब मजबूरी है भाई, अखिलेश यादव के पार्टी में है तो बोलना तो अखिलेश के पक्ष में ही पड़ेगा। अच्छा, पीड़ा तो उनके अंदर है। अच्छा, जानते अच्छे से है कि ऑस्ट्रेलिया वाला और इंग्लैंड वाला जो पढ़ के दोनों आए हैं वो तो दोनों अपने अपने पार्टी का और अपने अपने घर का हश्र क्या किए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा वो ऑस्ट्रेलिया के संस्कार से प्रभावित हो गया, और जो इंग्लैंड में पढ़ा वो इंग्लैंड के से प्रभावित हो गया। अच्छा, अपने हिंदुस्तान की कल्चर सभ्यता और संस्कृति तो प्रभावित कर ही नहीं पाए ये लोग। अच्छा, और रही बात देखिए गौरव जी, हम तो हमेशा कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे, शिक्षा पे होनी चाहिए, चिकित्सा पे होनी चाहिए, विकास पे होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। पिछले 2014 से लेकर 2022 आ गया गौरव जी, बेरोजगारी पे चिल्लाते रहे, बेरोजगारी पे पैदल मार्च करते, आपको याद होगा गौरव जी खटिया मार्च लेकर के निकले थे, खटिया चौपाल, तो कौन थे वो पीके थे उनके साथ, ये लोग खटिया चौपाल लगाया करते थे। ये लोग 2014 से 2022 हो गया, अहंकार नहीं है गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्व में इतनी क्षमता है कि लोगों का एक अटूट विश्वास हो गया है पार्टी के ऊपर। उनको मालूम है कि पार्टी में उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी देश हित में और प्रदेश हित में जो निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाला जो भविष्य है वो सुनिश्चित सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट, अपने प्रदेश की सुरक्षा, हिंदू मुसलमान की राजनीति, यह सब इन लोगों का एक एजेंडा रहा, उसी एजेंडे के ऊपर ये लोग काम करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने
अगर किसी को राशन दिया, किसी को गैस सिलेंडर दिया, किसी को बिजली दिया, किसी को घर दिया, किसी को पेंशन दिया, तो किसी का जाति धर्म मत मजहब पूछ करके नहीं दिया। हमने ये नहीं पूछा ये समाजवादी पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी का, ये बहुजन पार्टी का। हमने दिया तो सबको दिया, अगर लाभ पहुंचाया, सड़कें बनी तो पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। ठीक है, ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा है गौरव जी, ये यात्रा देश जोड़ो नहीं है, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, हमारे कांग्रेस के भाइयों को, कार्यकर्ता जो सो गए हैं घर पे, अच्छा, वो थक गए हैं, ये कहीं चेहरा अब क्या बोलो, फिर से बोलना पड़ेगा, मैं चाहता नहीं हूँ। कांग्रेस के एक ही चेहरे को देख करके थक गए हैं। अच्छा, जिनके नेतृत्व में लगातार पार्टी 2014 से लगातार चुनाव हारते आ रही है, उसके पहले भी तमाम प्रदेशों में उनकी हार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। लोगों को चाहिए जी अपना एक एजेंडा तय करें जी। ठीक है ठीक है, लोगों के बीच में जाए। ठीक है, अगर उनको लगता है कि जा तो रहे भाई, लोगों के बीच में जा तो रहे भैया, समझो भाई, यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में तो जा रहे हैं। घबरा रही है भाजपा, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, उन सोए हुए कार्यकर्ताओं को जो देश बांटने की बात, गौरव जी आपके चैनल नहीं दिखाया था, अच्छा आपके चैनल नहीं दिखाया था, इनकी वो किन लोगों से मिल रहे हैं जी, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका। तो अभी कुछ दिन पहले उनका बयान भी टीवी पे सब लोगों ने, जो सरयाम अपने हिंदुस्तान को किस भाषा में परिभाषित किया था और क्या शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और ऐसे लोगों से मिल करके देश को जोड़ने की जो कल्पना लेकर के राहुल जी घूम रहे हैं, ये कोरा बकवास है। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ गौरव जी आपके चैनल से, 100% सोए हुए कांग्रेसियों को थोड़ा सा भीड़ दिखा करके आइए, उठिए, कांग्रेस अभी जिंदा है जी, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश कांग्रेस मुक्त हो चुका है, ठीक है गौरव जी, ठीक है। और आने वाले समय में इनको और बहुत सारी चीजें देखने, ठीक है ठीक है, मोदी मुक्त हो जाएगा। नितिन भाई बोले है कि आप कहाँ वहाँ सभा में है, आप भाजपा में आ जाइए, पीड़ा है आपको नजर आती है, इनको क्या पीड़ा नजर आती है भाई, संतोष भाई को हो सकता है, संतोष भाई को पता हो मेरी कोई पीड़ा। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो देखिए कितना प्रसन्नचित्त तो मुस्कुराता हुआ, मैं तो संतोष, मैं तो लोकतांत्रिक पार्टी और समाजवाद से अच्छा दर्शन तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा, है अब अभी संतोष भाई ने एक बात कही कि 2017 से लेकर 22 तक खुद जी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को बड़ा गुंडा राज भरा कार्यकाल बता रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकाल इनके शब्दों के अनुसार हो सकता है गुंडा राज रहा हो, लेकिन ऐसा उदाहरण तो कोई नहीं प्रस्तुत हुआ कि थाने के अंदर बलात्कार हुआ हो महिलाओं का। अच्छा, ऐसा तो उदाहरण कभी नहीं प्रस्तुत हुआ है कि अगर कोई पीड़िता अगर किसी की पुत्री के साथ दुष्कर्म हो जाए और पीड़िता अगर थाने जाए तो थानेदार उसकी माँ के साथ बलात्कार कर दे, ऐसे उदाहरण तो समाजवादी सरकार में नहीं रहे। ऐसा उदाहरण भी समाजवादी सरकारों में कभी नहीं रहा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो और मंत्री की थाने के अंदर हत्या कर दी जाए, ऐसा उदाहरण समाजवादी सरकार में कभी नहीं रहा कि पार्टी का कैबिनेट मंत्री और प्रदेश का अध्यक्ष जा रहा हो और वहां कोई पीड़ित महिला खड़ी होकर के प्रदेश अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री को रोके और अपनी फरियाद लगाए कि पार्टी के आका चौकी इंचार्ज मुझसे 15 साल की लड़की मांग रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष काजू खाते हुए मुस्कुरा के गाड़ी बैठ जाए, इसका पूछता था चौकी इंचार्ज और मुस्कुरा के। ऐसा भी कार्यकाल कभी समाजवादी सरकार में नहीं रहा, और कभी ऐसा भी कार्यकाल समाजवादियों का नहीं रहा कि उनके नेता महिलाओं से मसाज कराते हुए पकड़े गए हो, जेल जाते रहो, चिन्मयानंद जैसा स्टेटमेंट की भाजपा का एक शिमला राज है, और जो वायदे इन्होंने किए थे मुझे तो नहीं लगता कि एक वायदा इन्होंने अब तक पूरा किया, और देश के प्रदेश की महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी लोगों को मुलायम सिंह यादव ने कहा था कहाँ पर पहुँच गई है, बलात्कार हो जाती है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, गरीब परेशान सुना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नितिन भाई कागजों में सरकार से, नितिन भाई नितिन भाई संतोष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, संतोष भाई बोलिए। बिल्कुल स्वागत है गौरव, गौरव भाई जी, गौरव भाई मैं कहना चाहता हूँ कि नितेंद्र भाई, नितेंद्र भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये पार्टी बनाई, जो अपने आप को धरती पुत्र मुलायम सिंह शब्द से संबोधित करते हैं, जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया, संघर्ष किया, जो 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 उनके संरक्षक है समाजवादी पार्टी के,
पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने सरेआम मंच पे आकर मीडिया के सामने आके बोला है कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बलात्कार हो गया लड़के हैं गलती हो जाती है, और इसे तमाम की बात है, लेकिन जो की विचार ही ऐसी विचार जिनका मनसा ऐसा हमने मुसलमानों को वोट लेने के लिए बाबरी पे हमने हिंदुओं को गोली चलवा दिया हो, तमाम ऐसी बातें हैं। मैं नहीं चाहता उस दौर में जाना, उस बात को मुद्दा बनाना। देश भाई हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, डिफेंड कर रहे हैं अपने पार्टी को, ठीक है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह के बयान को इनको याद रखना, ठीक है, ठीक है, उस सजा के अनुसार, उस अपराध के अनुसार सजा होनी चाहिए, ये पूरा देश जानता है। नेताजी ने हमेशा एक समाजवाद, हमेशा किसी भी फांसीवाद के खिलाफ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो फांसीवादी लोग हैं। तो नेताजी का बयान उस सदर में था कि कोई भी अपराध है तो अपराध की एक सीमा है, और उसी अपराध के आधार पर आईपीसी और सीआरपीसी में दंड का प्रावधान है, तो जिस अपराध का जो दंड है वो मिलना चाहिए। फांसीवाद और ये बयान जो लड़कियां गलती हो जाती है, ये बात क्यों भूल जाते हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह का बयान है, महबूबा मुफ्ती के साथ इनकी गठबंधन की सरकार थी, जोर जो पत्थरबाज कश्मीर के थे उनका जो मुकदमा वापस लेने की बात थी, उस संदर्भ में कश्मीर के अंदर आदरणीय राजनाथ सिंह का बयान था, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। बार बार क्यों उस बात को लेकर के आते हो? नेताजी का कम से कम समाजवादियों का ये चरित्र तो नहीं रहा कि महिलाओं के खिलाफ हम लोगों ने 1090 बनाया, हम लोगों ने 2000 गाड़ियां दी थी पुलिस की व्यवस्था ठीक करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से कि क्या इसके बाद इन्होंने कितनी गाड़ियां इशू की हैं पुलिस की? डायल 100 को इन्होंने 112 कर दिया, नाम बदल दिया, लेकिन उसकी स्थिति में क्या सुधार किया? यहाँ तक की क्या आपको नहीं पता है वो जो गाड़ियां डायल 100 के लिए दी गई थी जिससे तत्काल पुलिस कार्रवाई करे, वो गाड़ियां तक अधिकारियों ने छीन ली और अपने निजी उपयोग में ला रहे हैं। आज डायल 100 की व्यवस्था को खराब किया गया है, लैंड ऑर्डर को संभालने का पुलिस का है, और जितनी पुलिस समाजवादी सरकार में हुई और महिला सुरक्षा के लिए 1090 जो बनाया गया उसकी हालत क्या है इनके नेतृत्व में? ठीक है नितिन भाई, पर ये बताइए जो कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, क्या क्या कांग्रेस को लाभ मिलने वाला है इस यात्रा का? क्या कांग्रेस आने वाले समय में महत्वपूर्ण पार्टी बनके उभरेगी? समाजवादी पार्टी क्या लगता है, चुनौती है आपके लिए भी? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं है, गठबंधन कर लेंगे क्या? ये सब जगह की अपनी अपनी हर जगह की पृष्ठभूमि होती है, जैसे जलवायु के हिसाब से फसलें पैदा होती है, हर जगह की जलवायु होती है और हर जगह की जलवायु में हर जगह की फसलें पैदा होती है। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश देखिए समाजवादियों के लिए एक स्थान मजबूत है। अच्छा। निश्चित रूप से कि कांग्रेस ने एक अपना जनाधार खोया है बीच में, और किसी का कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पुराना सब जवाब देख करके भारतीय जनता पार्टी, तो आज राहुल गांधी कम से कम निकले हैं और देश जोड़ने के लिए निकले हैं, नफरत मिटाने की एक विचारधारा को लेकर के निकले, दो धाराएं बटी हुई हैं, कुछ नफरत बांट रहे हैं, कुछ प्यार मोहब्बत दे, तो अगर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी निकले तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश बढ़ेगा, लोगों को एक उम्मीद बढ़ी है, और इससे कुछ ना कुछ कांग्रेस का फायदा जरूर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने पर, अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही देने जा रही है। हमान भाई, नेता भाजपा कहना अलग है, प्रवक्ता सपा कहना अलग है, क्या राय है भाई इतना आप यात्रा निकाले? दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी बड़ी सक्रिय हैं और पिछले चुनाव में भी सक्रिय रही थी, सक्रियता थोड़ी लेट हो जाती है। मेरा मानना यह है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बहुत बेहतर था, और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा था 40% महिलाओं को टिकट देंगी उन्होंने दिए, पर क्या मानते हैं जो ये सक्रियता होती है ये ऐन वक्त पे आती है, निकाय चुनाव आ गए अभी कोई सक्रिय नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि आप सक्रिय होने का समय आ गया है या फिर वही स्थिति होगी जो चुनाव में हुई थी विधानसभा वाले? नहीं, मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, हमने पहले ही कहा था कि 2017 के बाद से लगातार हमने जनहित के मुद्दे को लेकर लड़ा, उत्तर प्रदेश के जो भी मुद्दे थे, नौजवानों के मुद्दे थे, महिला सुरक्षा का मुद्दा था, चाहे वो लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे निकले, लगातार आंदोलन करे। ये अलग बात है कि 2022 के चुनाव में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, लेकिन हम, हमारा जो मकसद है राजनीतिक, जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर लगातार जनहित को मुद्दे को लेकर संघर्ष किए, और आज भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार हम संघर्ष करते रहे। ठीक। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है भारत जोड़ो यात्रा से, कि लगातार जो हम लोगों के साथ जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बौखला गया, उनके अंदर घबराहट है।
इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ठीक, अभी मैं आपको बता दूं गौरव मिश्रा जी, जी कि अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। अच्छा, अब आप बताइए, ये उपलब्धि नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि गौरव मिश्रा जी आप भी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। अच्छा, अगर कोई सरकार सारे संसाधन, रेलवे, एयरपोर्ट, सारी एजेंसियां, पोर्ट, एक व्यक्ति के नाम बेच दी जाएगी तो वो आदमी बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, दुनिया का बहुत बड़ा। अच्छा, ये बात हम जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इनके चंगुल में है। जी, अडानी क्या केवल हम तो लेके जाएंगे जनता के बीच में ना, वो इनका पर्दाफाश हो रहा है। जो देश को बेचो नीति पे सरकार लेके लगातार चल रही है, जो दो चार उद्योगपतियों के आगे पीछे सरकार घूम रही है, हम वो पर्दाफाश जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, हमारी नीतियों के चलते 27 करोड़ लोगों गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती महंगाई और कुशासन के चलते 25 करोड़ लोग वापस गरीबी में चले गए। अच्छा, ये अंतर हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे, और आप जब बताएंगे तो इनको स्वाभाविक है इनकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कोई भी जतन कर ले, ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाले। जनता ने देखा कि 8 साल में किस तरीके से महंगाई पूरी आम जनता के जीना दुभर कर दिया, उनकी जो आमदनी थी वो घट गई है, वो विकास नहीं हो रहा है, रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए और सरकार सिर्फ दो चार उद्योगपतियों के पीछे घूम रही है। हम उसको नकाब करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का यही संदेश है, इसीलिए भाजपा की घबराहट स्वाभाविक। ठीक है संतोष भाई, आखिरी कमेंट करिए फिर मैं चर्चा खत्म करता हूँ। क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए। गौरव भाई देखिए, पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि देखिए इनका कोई एजेंडा, इससे जितने राजनीतिक दल हैं जो मोदी को हराना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं, ये अपने आपस में ही लड़ रहे हैं। अच्छा। नितिन भाई से मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो गठबंधन कांग्रेस से करेंगे, क्या वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे, क्या वो राजद से गठबंधन करेंगे, क्या वो देश में रहने वाले देश के जो प्रमुख दल है उनसे, और क्या वो किसी को अपना नेता मानेंगे। और वो हमको बताएं कि ममता बनर्जी बड़ी नेता है, केजरीवाल बड़े नेता है, अखिलेश बड़े नेता है, कि राहुल गांधी बड़े नेता है। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस किसी भी एंगल से आपको लगता है कि इन लोगों की बात सुनेंगे? नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अभी से दिल्ली दौरे पे निकल गए हैं, सबसे नेताओं से मिल रहे हैं। इनका ना कोई भी अभी इनको ये देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा। इनको ना कोई एजेंडा है इनके पास, देश में देश के लोगों के साथ ये कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये पहले अभी नेताओं से संवाद कर, नेताओं के पास जाकर के अपनी बात की मुझे अवसर मिले, मैं देश का प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी है। इनको बेरोजगारी से, इनको महंगाई से, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। देश में क्या हो रहा है, देश के सैनिक, देश के हालात, आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इनसे कोई सरोकार नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि हमको कुर्सी मिले, और उसी कुर्सी के पीछे अखिलेश जी दौड़ रहे हैं, उसी कुर्सी के पीछे राहुल जी दौड़ रहे हैं, उसी कुर्सी के पीछे ममता बनर्जी दौड़ रहे हैं, उसी कुर्सी के पीछे अरविंद केजरीवाल दौड़ रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर के कुर्सी के चक्कर में पड़े, इनको देश से कोई वास्ता नहीं है। गौरव जी ये झूठी बात करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है नितिन भाई, अपनी बात पूरी करिए, चर्चा खत्म करता हूं, बोलिए जल्दी, बोलिए कम समय। गौरव भाई जी, संतोष भाई ने बड़ी लंबी बात कह दी जी, और अच्छे अच्छे भाई हमारे, लेकिन ये थोड़ा अपडेट कम रहते हैं, लगता पढ़ते कम है। अच्छा। इनको शायद पता नहीं कि आदरणीय अखिलेश जी ने अपने सीधे बयान में कहा कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। अच्छा। ठीक, एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनको देश की चिंता नहीं, प्रधानमंत्री कुर्सी की चिंता है। इस देश में इस समय जो भी, और ये बता रहे हैं कौन बड़ा नेता, तो पहले तो एक बात बता दें कि जितने लोगों का नाम लिया, ये सभी कल के मामले में आदरणीय नरेंद्र मोदी से अच्छे नेता है, इनसे ज्यादा अनुभवी पढ़े लिखे नेता है। अच्छा। चाहे ममता जी, उनका भी कई कार्यकाल हो गया, नीतीश जी के भी कई कार्यकाल हो गए। अच्छा। तेलंगाना की बात करिए, वो भी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे अच्छी सूझबूझ रखते हैं, प्रदेश की सरकार चला के दिखा चुके हैं। सारे नेता उस समय एक चिंता है कि किसी भी तरीके से देश को बचा लिया जाए, प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा। जब आई के गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने थे तो पहले प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं थे, जो गौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे
कभी प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर नहीं आए थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देश में मौजूद हैं। ये समय लड़ाई सिर्फ देश को बचाने की है कि सारे समाजवादी सोच के नेता ये सोच करके निकले हुए हैं कि सब लोगों का एक मिल करके तैयारी हो रही है कि देश बचाने के लिए लड़ो। राष्ट्र कुर्सी तो कोई भी होगी, बहुत सारे लोग जिनकी क्षमता प्रधानमंत्री से पद से कहीं ज्यादा की योग्यता रखते हैं, वो देश को अच्छा चलाना जानते हैं। बहुत और एक नेता बना दीजिए। अगर आपकी विचारधारा अगर आपकी विचारधारा और सारे राजनीतिक दलों का विचारधारा हवाई चप्पल वाला, चलो ठीक है, हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन उन्होंने हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए नहीं कहा था, ठीक है, हवाई चप्पल बनाने वाले के लिए कहा था। ठीक है, ठीक है, जूते पहनते तो हवाई चप्पल पहनने लगे, इसलिए हवाई चप्पल बनाने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हमम भाई 30 सेकंड बात पूरी करिए, मैं चर्चा खत्म करता हूँ, बोलिए जल्दी। बिल्कुल, भारत जोड़ो का जो उद्देश्य है वो सबके सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम लगातार जनहित के मुद्दे को लेकर संघर्ष करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे और भाजपा की तोड़ो और राज करो वाली पॉलिसी का निकाब करेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह मुद्दा था और मुद्दा ये था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल पड़ी है। 5 महीने की यात्रा है, 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है और लगातार इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। फिलहाल इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को क्या हासिल होगा, कांग्रेस की जो स्थिति है वो कितनी मजबूत हो पाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी चुनौती बन सकेगी, ये वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम जरूर कर लिया है और उत्साह हो सकता है आने वाले चुनाव में उनके काम भी आए, क्योंकि जहाँ उत्साह होता है वही नीति होती है, वही नीति होती है और वही मेहनत होती है, और जहाँ मेहनत होती है वहाँ परिणाम होता है और परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिल जाएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुरली जयंती, नमस्कार।